नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग फिर से वापस एलईडी बल्ब बनाने का लाए हैं। इसमें कुछ नया सिखाएंगे आपको। पुराने वाले वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, पुराने वाले तरीका भी देख लेंगे। मगर इस वीडियो में हम लोग जो पुराना एलईडी है जो हमारा ख़राब हो चुका है उसको हम लोग एलईडी चिप या एलईडी डायोड को रिप्लेस करके ठीक करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आगे सब बताएंगे कि हम तीन तरीका का प्रॉब्लम आता है जो यूजुअली एलईडी बनाने में, तो वो हम लोग सारा डिस्क वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए और आपको लाइफ टाइम फ्री में इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। अभी हमें ये प्रोसेस करने के लिए एक होल्डर की रिक्वायरमेंट होती है बल्ब को चेक करने के लिए, तो एक होल्डर हम लोग ले लेंगे नॉर्मल सा कोई भी। अभी हम एक एक करके जो हमारे पास जितने बल्ब दिख रहे हैं सारे को चेक करेंगे। देखिए पहला वाला ख़राब है, ये दूसरा वाला बल्ब भी लगा रहे हैं ये भी नहीं जला, ख़राब है। ये तीसरा वाला हम देखिए ब्लिंक कर रहा है, थोड़ा मोटा जल रहा है, ये भी ख़राब है, इसको भी हम लोग ठीक करेंगे। और ऐसे करके हम लोग जितना भी बल्ब है हमारे पास सारे को चेक कर लेंगे। आज आपको ये वीडियो में अब मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास आठ बल्ब है, आठों को हम लोग कैसे ठीक करते हैं। देखिए एक ये गलती से एक ठीक वाला बल्ब ही आ गया अपने पास, तो चलिए इसको साइड कर देते हैं। अब एक एक करके हम लोग इस बल्ब को खोलेंगे। इस बल्ब के अंदर देखिए ये एलईडी चिप लगा रहता है, एलईडी जिसमें ये सारे बल्ब जो है 9 वाट का है और सभी में अलग अलग एलईडी लगे हुए हैं, क्योंकि किसी में वो 1 वाट का होता है, किसी में 1.5 वाट का होता है। तो ये हमारे पास जो है एलईडी चिप जो है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, ये वाले को जो पुराने वाले लगे हैं उसको चेंज करेंगे उसमें से। इसके लिए हमें एक टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी। देखिए इसमें क्लिप कर किया हुआ है, दबाया हुआ है चिप को, तो उसको हम लोग खोल लेंगे। किसी किसी में स्क्रूप से टाइट रहता है तो इसमें स्क्रूप से खोल लेंगे। अभी क्या डिसोल्ड कर दे रहे हैं, हमें सोल्डिंग आयरन की रिक्वायरमेंट है। जो नेगेटिव पॉजिटिव वायर जो लगा रहता है उसको दोनों को हम लोग सेपरेट हटा देंगे, तभी हम लोग दूसरा वाला जो चिप है एलईडी चिप है उसको हम लोग उसमें लगा सकें। तो पहले उसको सोल्डिंग आयरन की हेल्प से पहले जो दो वायर होता है हमारा, एक ब्लैक एक रेड वाला होता है, तो दोनों वायर को हम लोग डिसोल्ड करके हटा लेंगे। इसमें ध्यान देना है कि जो हमारा पहले किसी किसी में दूसरे कलर का भी वायर हो सकता है, तो उसमें हमें चेक कर लेना है कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है। उसके बाद ही जो नया वाला जो चिप है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगाना है, क्योंकि अगर इसमें जो चिप आता है नया वाला उसमें प्लस माइनस लिखा रहता है, तो उसको देख के लगाना है। यूजुअली रेड वाला जो होता है पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला नेगेटिव होता है। तो देखिए हम लोग इसको लगा लेते हैं। सबसे पहला तरीका यही है कि हमने सब में जितना भी बल्ब है ना सब में हम ये चिप लगा लेंगे, और जो जो बल्ब इसमें क्या है कि मल्टीमीटर के थ्रू भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। मगर क्या है ना कि बहुत लोगों के पास मल्टीमीटर नहीं मिलेगा या फिर सोल्डिंग आयरन नहीं मिले, तो हम लोग इजी तरीका बता रहे हैं कि सभी में पहले हम लोग ये चिप लगा के चेक कर लेंगे। ये चिप अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 रुपये में मिल जाएगा आपको मार्केट में। देखिए ये लगा दिया हमने और ये बल्ब सक्सेसफुली बन गया और ये जल रहा है। तो क्या है ना कि सब में हम लोग पहले ट्राई कर लेंगे लगा के एक जुगाड़ तरीका से कि सब जल रहा है, तो आपका बल्ब जो है वो ओके हो गया, ठीक हो गया, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो बल्ब नहीं जलेगा तो उसका तरीका हम आगे बताएंगे कि उसको कैसे ठीक करें। तो अभी सबसे पहले हम लोग एक एक करके सारे बल्ब का खोल कर सभी में अपना जो नया वाला एलईडी चिप लाया है हमने वो वाला को चेंज कर देंगे। देखिए इसमें जो है स्क्रू सिस्टम लगा हुआ है, स्क्रू को खोल देना है। उसके बाद इसके जो नेगेटिव पॉजिटिव वायर है जो टर्मिनल है उसको हम लोग डिसोल्ड कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद ये चिप सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि चिप के नीचे भी एक पेस्टिंग किया रहता है जिससे वो चिपका रहे उसमें, तो थोड़ा सा सावधानी से उसको निकाल लेना है। उसके बाद जो हमने हमारे पास जो नया वाला चिप लेके आए हैं उसे हम लोग लगा देना है। अगर आप एक सोल्डिंग आयरन का जुगाड़ कर लें तो आपका काफ़ी पैसा बच सकता है एक एलईडी बल्ब ठीक करने में, क्योंकि ये जो चिप है ये मात्र 5 रुपये में आता है और इसका इसके अंदर एक जो सर्किट होता है जो पावर ड्राइवर होता है वो 20 रुपये में अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है मार्केट में। तो एक कॉस्ट निकाला जाए तो 25 रुपये में आपका बल्ब पूरे तरह से रेडी हो जाता है। यही बल्ब आप मार्केट में नया खरीदने जाएंगे तो ये आपको 70 से 80 रुपये में मिलेगा 9 वाट का।
मगर आप इसको 20 से 25 रुपये में ठीक कर सकते हैं पुराने वाले बल्ब को। सिर्फ बॉल का जो कवर है उसको वो वैसे ही रह जाएगा, बाकी का सारा चीज़ हम लोग चेंज कर लेंगे इसमें। तो ये एक इजी तरीका है और इसमें 100% आपको सक्सेस मिलेगा। पुराने वाला प्रोसेस जो हम लोग बताए थे पहले कि हम लोग एलईडी का देख लेते हैं कि इसमें से जो 4, 5 या 6 एलईडी लगे रहते हैं उसको शॉर्ट करके हम लोग देख लेते थे कि जो भी एलईडी ख़राब होता था उसको हम लोग एलईडी को हटा देते थे और उसको डायरेक्ट कर देते थे वहाँ से, जिससे क्या होता था कि थोड़े दिन के बाद उसमें पावर जो था वो ज़्यादा आता था, क्योंकि जहाँ पर 9 बल्ब लगाने की जगह है वहाँ पर अगर 8 बल्ब जलेगा तो इंडिविजुअली जो उसको वाट मिलना चाहिए वो ज़्यादा मिलने लगता है, तो बल्ब जो है थोड़ा दिन चलने के बाद फ्यूज हो जाता था। मगर इस प्रोसेस में क्या है कि हमने पूरा किट को ही चेंज कर दिया, तो ये बल्ब का लाइफ जो है ज़्यादा रहेगा पहले वाले तरीके से। इसलिए हमने इस ये वीडियो बनाना सही समझा कि इससे आप लोगों को मदद मिलेगा। इसमें हमने बताया कि आपको 3 तरीके से हम लोग बल्ब को चेक करेंगे। पहला जो तरीका है, हमने सब में चिप लगा के देख लेना है कि कौन सा वाला जो है, अगर सब ठीक जल जा रहा है, देखिए ये भी जल जा रहा है ठीक से, तो ये इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये बल्ब रेडी हो गया है। बस इसका कवर हम लोग जो ऊपर का डिफ्यूजर होता है उसे लगाकर भी चेक कर लेंगे कि कोई तार तो लूज नहीं है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमने चिप लगाया उसके बाद भी नहीं जल रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो चिप तो हमारा नया है यानी ठीक है, तो हो सकता है कि अंदर का जो ड्राइवर होता है वो डैमेज होता है, तो ड्राइवर को हम लोग चेंज करेंगे। तो उसके लिए एक लास्ट में हम दिखाएंगे कि ये इस जो सीरीज है हमारा बॉल बनाने वाला, उसमें हमें 8 में से 1 बल्ब ऐसा निकलेगा जिसमें हमें ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा। मगर मैक्सिमम टाइम जो होता है ना, ये एलईडी चिप का ही प्रॉब्लम होता है, और आप देख लेंगे कि इसमें 8 बल्ब का प्रॉब्लम है जिसमें से मुझे 7 बल्ब ऐसे मिले जिसमें एलईडी चिप का ही प्रॉब्लम था और 1 जो था जिसमें ड्राइवर का इशू था। तो आप मान के चलिए कि 90% जो प्रॉब्लम होता है एलईडी जो चिप वाला ही प्रॉब्लम होता है। तो ये आप मार्केट से 5-6 पीस अपने घर में रखे रहें, जब भी आपको कोई बल्ब ख़राब होता है तो इसमें आप इसको रिप्लेस कर दें, जिससे कि आपका बल्ब जो है रेडी हो जाएगा और आपको कभी ज़िंदगी भर कभी बल्ब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो ये प्रोसेस बताया है, ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी बल्ब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे बल्ब को आप अपने से ठीक कर लेंगे और कभी भी आपको नया बल्ब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो एलईडी चिप है सभी कंपनी के अलग अलग होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, मगर जो यूनिवर्सल किट आता है ना, जो हम जो चिप आता है वो एक ही साइज का होता है और वो सभी में लग जाता है यूजुअली। तो जैसे देख रहे हैं कि आप मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के अलग अलग देखें चिप लगे हुए हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के, मगर जब हमने यूनिवर्सल लगाया तो सब उसमें एडजस्ट हो जाता है और सभी लग जाते हैं उसमें। तो ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर जो हमने चिप लगाया वो उसी साइज का लगेगा या नहीं लगेगा, सभी चिप लग जाते हैं। तो ये चिप चेंज करके आप कभी भी आपका जो बल्ब ख़राब होता है आप नया चिप लगा दे और आपका बल्ब ठीक हो जाता है। तो मात्र आप 4 से 5 रुपये में अपने एलईडी बल्ब को ठीक कर लेंगे, जो कि आप नया खरीदने जाते हैं तो आपको 70 से 80 रुपये पे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि आपको लाइफ टाइम कभी भी बल्ब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे वाले तरीके को फॉलो करेंगे। तो देखिए सारे बल्ब को हमने लगाते जा रहे हैं और चिप देखिए तुरंत से ये 2 मिनट के अंदर ये हमारा बल्ब रेडी होता जा रहा है। तो चिप के रिपेयर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि इस काफ़ी चीप रेट में आपको ये एलईडी चिप मिलने लगा है। अगर आप उसके 8 या 9 एलईडी में से एक एलईडी को भी चेंज करना चाहते हैं, अगर उसको पुराने जो ख़राब हो गया है शॉर्टिंग करके चेक करने के बाद, तो भी एलईडी का कॉस्ट जो है ना 1-1.5 रुपये का आ जाएगा। तो आप 1-1.5 रुपया खर्च करके वो एलईडी को चेंज करने में आपको बहुत झमेला होगा, उससे अच्छा कि पूरा के पूरा सर्किट ही चेंज कर लो, आप चिप को ही चेंज कर लो, जैसे 405 रुपये में आ जाता है। तो 4-5 रुपये खर्च करके पूरा एलईडी आपका जो बल्ब है वो रेडी हो जाता है, तो क्या ज़रूरी है आपको पूरा उसमें दिमाग लगाने का। तो ये तरीका अच्छा है, इसी तरीके से आप फॉलो करें और आपको कभी भी ज़िंदगी में बल्ब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक एक करके हमने सारे बल्ब को चेंज कर लिया, जितने भी बल्ब थे हमारे सब में चिप डाल दिया है। अब जो आपको बताया था कि सेकंड जो प्रॉब्लम आता है वो ड्राइवर का प्रॉब्लम आता है, वो भी हम लोग बताएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो वो भी आपको वीडियो में बने रहें लास्ट तक, तो आपको सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा और आप आसानी से सीख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में एक शिकायत आई थी कि आपको वो सोल्डिंग करना है और एलईडी का जो शॉर्टिंग करना था वो वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी, तो उसका उसके लिए इसलिए हमने
इसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपको क्लियरली दिखा रहे हैं कि बल्ब को कैसे डिसोल्ड करते हैं, कैसे हटाते हैं, ये क्लियर आपको दिखेगा इस वीडियो में। ये देख सकते हैं हमारे पुराने जितने भी LED बल्ब के जो चिप हैं निकाले हुए, सब डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। ये हमारे पास देखिए ये ड्राइवर है, किट है, जो कि 15-20 रुपये में मिल जाता है आपको मार्केट में। आप ये ड्राइवर किट देखिए, ये जो लास्ट प्रॉब्लम था जो मैंने बताया था आपको प्रॉब्लम की, इसका जो है हमने चिप चेंज करने के बाद भी ये बल्ब नहीं चला, तो इसमें जो चिप लगाने के बाद नहीं हो रहा है, तो इसका चांसेस है कि ये जो LED ड्राइवर है वही ख़राब है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके जो पीछे वाले टर्मिनल है दोनों को डिसोल्ड करके खोल लिए और पुराना वाला देखिए ड्राइवर निकाल के हमने रख दिया है। अब हम लोग इसमें कोशिश करेंगे जो दो होल होते हैं पीछे वाले, जिस दोनों पॉइंट होते हैं, उससे हम लोग वायर को बाहर लगा देंगे। इसमें कोई भी टर्मिनल लगा सकते हैं। इसमें देखिए दो वायर है, वाइट कलर के हैं जो वो इलेक्ट्रिक AC पर चलेंगे, और जो रेड और ब्लैक वाला है वो DC है, तो उसको हम लोग LED की तरफ रखेंगे। देखिए हमने दोनों वायर निकाल लिया है पर अब इसको सोल्डिंग कर देंगे, दोनों वायर को अच्छे से इसमें सोल्डिंग आयरन से इसको पूरा सोल्ड कर देना है, क्योंकि ये टच होता है होल्डर में तभी वो बल्ब जलता है। तो इसको प्रॉपरली पूरा सोल्ड कर देना है अच्छे से कि वायर खींचे नहीं, खींच जाएगा तो फिर बल्ब नहीं जलेगा। तो देखिए इसका हमने पूरा अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। अब जो दो वायर बचा हुआ है देखिए, इसको हम लोग LED चिप में सोल्डिंग करना, हमने टेस्टिंग के लिए उसको लगाया था। अब इसका जो नीचे वाला प्लेट है वो प्लेट को बैठा लेंगे, तब इसको हमने प्लेट के बैठाने के बाद चिप जो LED चिप है उसको लगाना है। देखिए LED चिप को पहले अच्छे से प्रॉपरली बैठा देंगे, अच्छा सा जब बैठ जाएगा तो इसके ऊपर हमने जो LED जो हमारा चिप है उसको नट स्क्रू से सहायता से टाइट कर लेंगे। उसके बाद उसके नेगेटिव पॉजिटिव को हम लोग सोल्डिंग आयरन के सब सहायता से उसे इसमें सोल्ड कर देंगे। अब देखिए क्या है कि इसे हमें प्लेट निकालने में थोड़ा सा वह क्रैक हो गया था ये बल्ब, तो इसमें हम लोग फेविक्विक की सहायता से उसमें फेविक्विक थोड़ा लगा देंगे जिससे ये खुले नहीं और जैसा है वैसा ही रहे। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा फेविक्विक का यूज करके इसको साट लेंगे जिससे बल्ब हमारा रेडी हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये हमारे पास 8 बल्ब थे जिसमें से 7 का प्रॉब्लम था चिप वाला, उनमें चिप चेंज कर दिया। देखिए अब एक एक करके हम सारे बल्ब को आपको चेक करके दिखा रहे हैं, सारा का सारा अब ठीक हो चुका है। एक जो था हमारा वो बल्ब जो था उसमें ड्राइवर की इशू थी, तो हमने उसमें ड्राइवर भी रिप्लेस कर दिया। आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ गया कि LED कभी भी आप बनाना हो तो कोई दिक्कत ना हो आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।